ऐसा कोई भी हादसा जो आपके इतने करीब होता है, जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ होता है, तो डरना स्वाभाविक है। इंडियन कम्युनिटी में भी वो डर कहीं ना कहीं था, पर कल की प्रार्थना सभा और पीस मार्च के बाद ये जाहिर हो गया कि हम में से किसी को भी डरने की ज़रूरत नहीं है। जितनी लोकल अथॉरिटीज़ ने हमें आश्वासन दिया, जितने लोकल कम्युनिटीज़ आगे आए, आप यकीन नहीं मानेंगे, जितने हिंदुस्तानी कल के पीस सभा में थे, उतने ही लोकल अमेरिकन्स थे। हर एक को गले लगाकर उन्होंने माफ़ी मांगी कि ऐसा हादसा इस कम्युनिटी में हुआ। एक प्लेटफॉर्म पर आकर उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि एक आदमी की सोच पूरे राज्य या पूरे देश की सोच को नहीं बताता। हमें ये आश्वासन दिया कि ये हमारा घर है, यहाँ हमें सेफ़ महसूस करने में या हमें सेफ़ महसूस कराने में उनका पूरा सपोर्ट मिलेगा। केविन योर्डर, कांग्रेसमैन केविन योर्डर की बात को रिपीट करके मैं इस बात को ख़त्म करना चाहूँगी। उनका सिर्फ ये कहना कि एन अटैक ऑन वन ऑफ अस इज़ एन अटैक ऑन ऑल ऑफ अस, ये साबित करता है कि इस घटना से सभी को उतनी तकलीफ हुई है, सभी डरे हुए हैं। इसलिए नहीं कि उनका स्किन कलर अलग है, इसलिए कि जिस जगह को आप इतना सेफ समझते हैं, उस जगह में ऐसा कुछ हुआ है। थैंक यू।